हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइगन वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर कंप्यूटेशन एंड लो रैंक अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए जो आपकी प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बिफोर गेटिंग इन टू द इन डेप्थ मैथ बिहाइंड कंप्यूटेशन इन्वॉल्व विद आइगन वैक्टर्स, लेट अस ब्रीफ डिस्कस वॉट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर एक्चुअली आर। सो ये यार आप मैथमेटिक्स में कई बार पढ़े हो, आइगन आइगन मतलब क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि आइगन का मतलब क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, आइगन का मतलब क्या है। सो आइगन मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन जनरल टर्म्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स और वेक्टर। ये आइगन वैल्यू हो या आइगन वेक्टर हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास में, कोई मैट्रिक्स है एम, उसके करेक्टरिस्टिक्स ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसकी मदद से हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। तो आइगन वेक्टर देख लेते हैं, आइगन का मतलब करेक्टरिस्टिक्स। अब आइगन वेक्टर मतलब क्या है? सो इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन by a matrix X such that when X is multiplied with any matrix A, जब भी X किसी भी A matrix से multiply हम करेंगे, then the direction of resultant matrix remain the same as vector X. तो जो direction है उस matrix X का वो same होगा matrix vector X के direction में। ठीक है, अगर हमारे, फिर से बताता हूँ, इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय अ मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, सच दैट व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाइड विद एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए के साथ में हम अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो इस पूरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो डायरेक्शन होगी विल रिमेन्स द सेम एज वैक्टर एक्स। सो वो वैक्टर एक्स की डायरेक्शन में ही होगी। एक इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो ये इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंटायर मैट्रिक्स की जो डायरेक्शन है, वी वन हो गया, यहाँ पर वी टू हो गया, ये वी थ्री हो गया, तो इसका रिजल्टेंट उसकी के रिजल्टेंट में ये हो गया। बताता हूँ, ऑब्जर्व करो फिगर वन को केयरफुली टू लुक एट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सो इन फिगर वन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन। हम फिगर वन के अंदर ये एक फॉलोइंग स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वी वन है, वी वन इस वी वन में और इस वी वन में 1.5 मल्टीप्लाइड बाई वी वन हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर गया है, ध्यान से देखिए। सो इसमें और इसमें हमने बेसिकली 1.5 को मल्टीप्लाई किया है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, और यहाँ पर वी टू के अंदर हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ओरिजिनल ये था और इससे आधा हो गया। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशंस द वेक्टर वी वन एंड वी टू आर इन द सेम डायरेक्शन एज वी वन एंड वी टू बिफोर। सो ये जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी जो इनकी डायरेक्शन है इट इज सेम, वी डैश वन की डायरेक्शन सेम है वी वन डायरेक्शन से ही, और वी टू डैश की डायरेक्शन भी वी टू जैसी ही है। बट रिजल्टेंट वेक्टर वी थ्री इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन एज वी थ्री, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो सेम नहीं है, हैंस इट कैन बी इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ आइगन वैक्टर। सो इसको हम आइगन वैक्टर के एज ए कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आइगन वैल्यू, इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट टू विच द आइगन वेक्टर हैज बीन स्ट्रेस्ड और डिमिनाइज्ड।
वो ये बताता है, आइगन वैल्यू ये बताता है कि कितना तो हमें उसको एक्सटेंड करना है और कितना उसको हमें डिमिनाइज करना है, किसी भी मतलब कोई भी एक आइगन वेक्टर को किस कितना हमें डिमिनाइज करना है या कितना हमें स्ट्रेच करना है, वो उसके बारे में बताता है। ठीक है, सो यहाँ पर इस केस में 1.5 था। देखो V1 को हमने 1.5 तक स्ट्रेच किया और V2 को हमने डिमिनिश किया 0.5। ठीक है, सो अगेन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटेड बाय अ मैट्रिक्स एक्स। कोई भी मैट्रिक्स एक्स है उसका वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सच दैट कुछ इस तरीके से व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाइड विद एनी मैट्रिक्स ए। अब व्हेन अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स ए से, तो जो उसकी डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, वो सेम होगी उसकी वेक्टर एक्स जैसी। ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं थी, ये आप देख सकते हो, इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम नहीं थी। ठीक है, सो ये हम उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इसकी तो डायरेक्शन सेम थी, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम थी, इस येल्लो वाले पार्ट की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो अब हम करेंगे, देखते हैं कंप्यूट कैसे करते हैं हम आइगन को, आइगन कंप्यूट कैसे करते हैं। सो आइगन वेक्टर कंप्यूट करने के लिए हम कोई भी मैट्रिक्स ए को हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लैम्डा, इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी ए मैट्रिक्स है ये, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है, वही सॉरी ये होती है, इसके डायगोनल 1 होते हैं, तो ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस करेंगे तो वो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, बी माइनस 0 सी माइनस 0 टी माइनस 0 ई माइनस लैम्डा एफ माइनस 0 जी माइनस 0 एच माइनस 0 आई माइनस लैम्डा, है ना, इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं बेसिकली, ये जो सिंबल है वो डिटरमिनेंट का है। सो वी कैन कैलकुलेट आइगन ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो द रूट्स ऑफ अबोव इक्वेशन दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा गिव्स अस द आइगन वैल्यूज। सो इसकी मदद से हमें आइगन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, दीज आर नथिंग जस्ट एन आइगन वैल्यूज। ठीक है, सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑब्टेंड वी कैन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स यूजिंग द इक्वेशन। हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे कि एट लैम्डा आई के ऊपर उसकी एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, जितने भी मतलब वेक्टर एसोसिएटेड है, मतलब λ1 के लिए एक्स आई वैक्टर निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बोल देते हैं, या तो हम डिटरमिनेंट बोलते हैं या फिर इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 माइनस लैम्डा 1 2 0 2 -λ 2 -1 1 3 -λ। ठीक है, 0। सो इसको इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा 6² + 11λ - 6। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, λ1 λ2 λ3 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब हमें एक बार तो लैम्डा की वैल्यू 1 डाल के देखो, ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक बार तो इसकी वैल्यू 1 डाल के देखो, फिर 2 डाल के देखो, और एक नई इक्वेशन बना लो आप। क्या करो, लैम्डा आई और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो जो कि 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 -1 1 2
जीरो, टू माइनस वन, टू माइनस वन, वन, थ्री माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे एक्स वाई और जेड, ये वेक्टर एक एक वेक्टर के लिए आ जाएंगे, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू जीरो जीरो। सो इनके लिए आप एक्स वन एक्स टू या फिर एक्स थ्री बोल दो या एक्स वाई जेड बोल दो, इनको निकालो। तो जब आप ये निकालोगे तो आपके पास में क्रैमर्स लॉ से निकाल लो यार, सीधा सा अपने पास में लॉ है तो रूल है तो उससे निकाल लो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन और जीरो, ठीक है। ये दो इक्वेशन ले लो और उस पर क्रैमर लॉ लगा लो, मैं बताता हूँ कैसे। जीरो जीरो माइनस वन एक्स वाई जेड इक्वल, सॉरी, जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड, ये जेड है, इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, एक्स के लिए इसको छोड़ दो, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो वन माइनस वन वन इक्वल टू माइनस वाई जीरो वन वन माइनस वन और वन, अपन ने इसके लिए ये छोड़ दिया और इन दोनों को ले लिया। इसी तरीके से जेड के लिए जीरो जीरो वन वन, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ से आ गया माइनस वन। सो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। ये माइनस वन प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, ये यहाँ पर ये माइनस वन रहेगा, सो जीरो, कहीं गलती तो नहीं गलती मैंने, माइनस वन, ओके, यहाँ पर माइनस वन है अपने पास में। सो अच्छा, ये भी तो माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसको फिर से माइनस कर देगा फिर, और यहाँ पर तो जीरो आ ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन ने एक्स वन निकाल लिया, फिर एक्स टू निकाल लेंगे, ये सेकेंड आइगन वेक्टर है अपने पास में, माइनस टू वन और टू की फॉर्म में। यहाँ पर थर्ड आ जाएगा वन माइनस वन और टू की फॉर्म में। सो वी ऑब्टेंड आइगन वेक्टर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री थ्री कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यूज और वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा से एसोसिएटेड हमने हर एक से एसोसिएटेड अपनों ने एक्स आई निकाल लिया, और एक्स आई को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, ठीक है। सो ये हमारे पास में आइगन वेक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड एज, सपोज वी हैव मैट्रिक्स एम क्रॉस एन एंड वट एवर एम क्रॉस एम मैट्रिक्स वी हैव। सो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, मान लीजिए वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, सॉरी वन जीरो 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 वन, अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर जो इसकी रैंक है वो क्या है, थ्री है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हमारे पास में अवेलेबल है। आप कहोगे यार ये इंडिपेंडेंटली लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं भाई, मतलब कि दो तीन चीज़ों से बता देता हूँ रैंक कैसे होती है। पहले तो आप देखो नॉन जीरो रोज कितनी है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, रो रिडक्शन करने के बाद में किसी तरीके से दो को मिलाकर तीसरे को हम माइनस कर सकते हैं क्या, किसी एक रो को सारी को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये चीज हम देखेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो फाइनल जो आया हमारे पास में उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है हमारे पास में, ठीक है, तो वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो हमें क्या देखना है, एक इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग। लीनियरली इंडिपेंडेंट चीजें देखने का मतलब ये है कि यार मान लीजिए आप एक डेटा फीचर ले रहे हो, है ना, डेटा रो ले रहे हो या कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। अब एक जो ऑब्जर्वेशन है, आपने एक नई रो ली, आप नई रो लेके आए और वो पीछे वाली जो जितनी भी रोज है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है अब लीनियरली इंडिपेंडेंट न रहकर लीनियरली डिपेंडेंट हो गई। तो हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के बाद में उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो नॉन जीरोज हैं, ठीक है। सो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इससे एसोसिएटेड मैं बताता हूँ। फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ शेप शेप एम क्रॉस एन मैट्रिक्स द फॉलोइंग रैंक प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल। फर्स्ट, रैंक ऑफ ए
इज इक्वल टू रैंक ऑफ, अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे उसका भी रैंक सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, रैंक ऑफ बी ए सी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड बी एंड सी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इन्वर्टिबल, बी और सी इन्वर्टिबल है, तब आपको रैंक ऑफ ए ही देनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, यूं कह रहे हैं अपन कि बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स, तो वो तो 1 ही आएगा ना। तो अगर बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो उसकी रैंक न्यूट्रलाइज होकर ये रैंक ऑफ ए आ जाएगा। अगर हमारे पास में रैंक ऑफ ए बी है, ए बी की अपनों ने रैंक निकाली, तो वो लेस देन होगी जो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ बी है, इन दोनों में से जो मिनिमम है उससे लेस देन ही होगी, ठीक है, या उसके इक्वल होगी। बिफोर गेटिंग इनटू लो रैंक अप्रोक्सीमेशन, दिस इज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अबाउट मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। व्हाट इज मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन? अपन इस वीडियो के अंदर लो रैंक अप्रोक्सीमेशन भी देखेंगे, तो उसके अंदर जाने से पहले एक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन अपन देख लें, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एनी मैट्रिक्स ए ऑफ शेप एम क्रॉस एन हैविंग रैंक ए, ओके, अगर इसका रैंक निकाले तो मान लीजिए आर है, इज सेट टू बी फैक्टर्ड फैक्टराइज्ड व्हेन इट टेक्स द फॉर्म बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इंटू सी टी, वेयर द शेप ऑफ मैट्रिक्स आर। अगर हम मैट्रिक्स का शेप देखें, सो मैट्रिक्स ऑफ ए की जो शेप है वो है हमारे पास में एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स ऑफ बी का हम देखें तो है एम इंटू आर, वहीं इसकी जो शेप है वो है एन इंटू आर। तो क्या होगा यहाँ पर, हमारा इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, हम इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो जाएगा आर इंटू एन, और ये दोनों जो सेम आ जाएंगे और ये दोनों रहेगा, तो इसीलिए ये इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। सो लो रैंक क्या होता है, वी से दैट मैट्रिक्स ए हैज अ लो रैंक, इसका लो रैंक तब होगा जब आर बहुत ज्यादा छोटा है मिनिमम ऑफ एम और एन से, जब रो और कॉलम से जो आर है आपका रिलेटिवली बहुत छोटा है, इसे हम लो रैंक भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपना आता है लो रैंक अप्रोक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एल आर ए, लो रैंक अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन, ठीक। सो बेस्ड ऑन अबाउट टू डिस्कस्ड मेथड, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वी डिफाइन एल आर ए एज फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ शेप एम इंटू एन एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज वेरी मिनिमम। सो अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लो मैट्रिक्स है ना, लो रैंक है उसकी, उसकी रो और कॉलम के कंपेरेटिवली बहुत लो रैंक है। द लो रैंक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए इज टू फाइंड अनदर मैट्रिक्स बी, हम ऐसी मैट्रिक्स बी ढूंढेंगे सच दैट कि जो रैंक ऑफ बी है वो छोटी या लेस देन है रैंक ऑफ ए से। इंट्यूटिवली समझो, वी टेंड टू सी हाउ लीनियरली सिमिलर मैट्रिक्स बी इज टू द इनपुट मैट्रिक्स ए, कि मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी लीनियरली सिमिलर है मैट्रिक्स बी जो हमने मैट्रिक्स ए दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। हम एक ऐसी मैट्रिक्स बी बनाना चाहते हैं जो कि लीनियरली सिमिलर हो ए से, ठीक है। मैथमेटिकली एल आर ए इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन विच वी मेजर द फिट
बिटवीन अ गिवन मैट्रिक्स द डेटा एंड अ अप्रोक्सीमेशन मैट्रिक्स द ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल। ठीक है, सो मोटिवेशन फॉर एल आर ए, लेट मी टेल यू द मोटिवेशन, सॉरी मोटिवेशन एल आर ए। लेट अस अज्यूम थ्री मैट्रिसेस, दैट इज एक्स वाई एंड जेड ऑफ डायमेंशन, इसकी डायमेंशन मान लो आप 50 40, इसकी डायमेंशन होगी 15 to 10 और इसकी डायमेंशन होगी 14 10। वी आर रैंक ऑफ एक्स, इसकी रैंक होगी हमारे पास में 10। देयरफॉर एज एज पर मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी सी डी। वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए इक्वल टू एम इन टू एन इक्वल टू बी, इसकी जो साइज ये है, और सी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होने के बाद में इसकी जो साइज आ जाएगी वो भी आ जाएगी। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इज डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड बाय पिक्सल्स इन मैट्रिक्स ए। सो मान लीजिए कि हमने ये किया, ये आ गया हमारे पास 2000। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये 2000 आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय पिक्सल्स इन मैट बी सी टी। सो वो हमारे पास में आ जाएगा 50 into 10 प्लस 10 into 40 इक्वल टू 900, सो 2900। दस बाय यूजिंग लो रैंक अप्रोक्सीमेशन वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ इनपुट डेटा बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो हो गया अपना करीबन इतने 1100 रुपये, 1100 फ्यूअर पिक्सल्स देन इनपुट इमेज ऑफ द अबव केस। जो इनपुट पिक्सल्स मान लो आप वो था, इतने पिक्सल्स थे हमारे टोटल पिक्सल्स, हमें मैट्रिक्स में निकालने के लिए यार कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है, तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके अंदर, सीधी सी बात है, तो 2000 पिक्सल्स आ गए, और इसके अंदर कितने, फिर बाद में इससे कितने आए हमारे पास में पिक्सल्स, इसके पिक्सल्स कितने हैं, ये आ गया 500, इसके पिक्सल्स कितने हैं, ये आ गया 400, इन दोनों के पिक्सल्स प्लस कर दो तो 900 पिक्सल्स। सो वो इस फॉर्म में आ रहा है तो 900 पिक्सल्स में आ रहा है, सो हमने उसको वो कर दिया। ठीक है, तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, इससे बात कर। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन इमेज प्रोसेसिंग टास्क वेयर द इनपुट इमेज डेटा इज वेरी लार्ज एंड नीड्स टू कंप्रेस्ड बिफोर एनी प्रोसेसिंग टास्क। सो ऑब्जर्व द टू इमेजेस ऑफ द सेम पर्सन गिवन बिलो, अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग एल आर ए वी आर एबल टू ऑब्टेन एन इमेज दैट इज वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल इमेज बाई डिस्कार्डिंग सम अनइम्पॉर्टेंट पिक्सल्स, कुछ अनइम्पॉर्टेंट पिक्सल्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हैंस रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इमेज एज वेल। आफ्टर डूइंग दिस इट बिकम्स मच ईजियर टू हैंडल सच लार्ज डेटा सेट्स एंड परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ प्री प्रोसेसिंग टास्क ऑन दैम। ठीक है, तो इससे हमने ये कन्वर्ट कर लिया। सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर कंप्यूटेशन इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन लीनियर अलजेब्रा विद न्यूमेरियस अप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ओके, सो इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग, एसपी के अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, मतलब और भी दूसरे की बात करें तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योग। गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन आइगन वेक्टर वी इज एन नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए वी, जब हम करेंगे तो उसको हम वो इक्वल होगा
आइगन वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करें, वेयर दिस इज एन स्केलर नोन एज एन आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वी। ठीक है, सो टू कंप्यूट आइगन वेक्टर्स वी टिपिकली यूज न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स एंड दैट इन्वॉल्व इटरेटिव मैथड्स सच एज पावर मैथड और इनवर्स पावर मैथड। हमारे पास में दो मैथड है, एक तो पावर मैथड है, दूसरा है इनवर्स पावर मैथड। दिस मैथड्स कैन एफिशियंटली कंप्यूट द आइगन वैक्टर्स एसोसिएटेड विद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। सो लार्जेस्ट ओके, एडिशनली देर आर ऑल्सो मैथड्स दैट कैन कंप्यूट ऑल द आइगन वैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली सच एज क्यू आर एल्गोरिदम। क्यू आर एल्गोरिदम और एक और है जैकोबी मेथड भी इसके लिए काम में आता है। लो रैंक अप्रोक्सीमेशन आर कॉमनली यूज टेक्निक इन डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग फॉर रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ हाई डायमेंशनल डेटा। गिवन अ मैट्रिक्स ए, अ लो रैंक अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ मैट्रिक्स बी दैट इज लोअर रैंक देन ए बट अप्रोक्सीमेट्स ए एज क्लोजली एज पॉसिबल। जो देखो मैंने यहाँ पर ये दिखाया आपको, एक फोटो दिखाया था ना अभी, कि भाई वो अप्रोक्सीमेट करता है। ये जो फोटो है इसके अंदर आप देखिए कि ये जो चीज़ है, इसी डेटा को, इसी फोटो को हम जब वापस से इसकी डायमेंशन बढ़ाएंगे तो ये सेम डेटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इसलिए कंप्रेशन करना चाहते हैं ना कि यार हमारे पास में इतनी स्पेस नहीं है, ठीक है, सो दिस इज टिपिकली डन बाय फाइंडिंग दी ट्रंकेटेड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एस वी डी ऑफ ए, एस वी डी निकाल कर। सो विच प्रोवाइड्स अ लो रैंक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए बाई कीपिंग ओनली द लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगुलर वैक्टर्स। ठीक है, सो उसके अंदर क्या रखेंगे हम, जो लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यूज है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंगुलर वैक्टर्स है उसको हम एक साथ रखेंगे। लो रैंक अप्रोक्सीमेशन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग वेरियस न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स इंक्लूडिंग रैंडमाइज्ड एसवीडी एंड अल्टरनेटिव लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिदम। लेट मी राइट, एलडीआर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एसवीडी एंड एएलएस, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव लीस्ट स्क्वायर्स एल्गोरिदम। दीज मैथड्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा सेट्स दैट आर डिफिकल्ट टू स्टोर और प्रोसेस इन देयर ओरिजिनल हाई डायमेंशनल फॉर्म। सो एडवांटेज ऑफ आइगन वेक्टर कंप्यूटेशन, इट प्रोवाइड अ कंसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एज दे कैप्चर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर्स कैन बी यूज टू सॉल्व लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस विच अराइज इन मैनी प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस। आइगन वेक्टर्स कैन बी यूज इन डायगनलाइज अ मैट्रिक्स विच स्पेसिफाइज मैनी कंप्यूटेशन एंड अलाउज अस टू इजीली कंप्यूट पावर एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स। वहीं एल आर ए का जो एडवांटेज है, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ हाई डायमेंशनल डेटा मेकिंग इट इजियर टू स्टोर एंड प्रोसेस। फीचर्स इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। एल आर ए कैन बी कंप्यूटेड एफिशेंटली यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स पर्टिकुलरली फॉर लार्ज डेटा सेट्स। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज भी है एल आर ए के, कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लॉस कर सकता है जब वो रिड्यूस कर रहा है, तो वही यार डायमेंशनल रिडक्शन से एसोसिएटेड ये प्रॉब्लम तो आती आती है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।